दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत करो, कम प्रयोग करते हो ना तो जंग लग गया है उसमें। मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, सिर्फ इतना लिखो, इज इट अ गुड गिफ्ट और अ बैड गिफ्ट, जस्ट लेट मी नो। आई थिंक इट्स अ प्राइसलेस गिफ्ट। ओके, ऑलराइटी 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 ऑलराइट, लेट्स कीप द सस्पेंस ऑन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स अ सैटरडे मॉर्निंग। वेल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर, यू वॉच माई व्लॉग्स एंड वीडियोज, थैंक यू सो वेरी मच। आज का दिन होने वाला है बहुत ही चिल्ड आउट, रिलैक्सिंग काइंड ऑफ अ थिंग, अपना काम निपटाओ वाला टाइप्स। राइट नाउ आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट। वेल, इन ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग वर्मिसली, दैट्स माय फेवरेट काइंड ऑफ अ ब्रेकफास्ट। आई जस्ट लव इट विद सम वेजीज एंड एवरीथिंग। इट्स हेल्दी प्लस इट्स टेस्टी, एंड देन ऑफकोर्स अदरक वाली चाय। सर्दियां शुरू हो रही है, आई मीन एंड राइट नाउ इट्स द मोस्ट नीडेड थिंग टू मी, क्योंकि गले की बैंड बजी हुई है। शक्ल ऑब्वियसली उड़ी हुई है बिकॉज आई एम नॉट रियली कीपिंग वेल बिकॉज ऑफ द वेदर एंड देन पॉल्यूशन, इट्स बैड। आई विल फिनिश माई ब्रेकफास्ट राइट नाउ एंड देन लेट्स सी हाउ द डे अनफोल्ड्स टुडे। माई ब्रेकफास्ट इज डन। दीदी यहाँ है, परवीना दीदी, जो कि हमारी घर को पूरा साफ रखने में मदद करती है। मदद क्या करती है, मतलब पूरी सफाई वो करती है। तो चलो मैं उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। परवीना दीदी जी, हेलो बोल दो। हेलो ऐसे, हेलो दीदी। ये हमारी दीदी हैं जो कि पूरा घर साफ रखने में इनका हाथ है, जो मैं तो गंद मचा के रखती हूँ पूरा। दीदी चाय पियोगी? मैंने आपके लिए बनवाई थी जेबा दीदी से, वो ऐसे ही रख के चले गए। ब्रेकफास्ट इज डन और अब सीन ये है कि मेरी जो कुक हैं उनको 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। आई थिंक वो अपने गांव जा रही हैं कुछ वेडिंग अटेंड करने के लिए, तो शी माइट नीड द मनी। उसके लिए मुझे कैश विड्रॉ करा के आना है वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि अभी वो 1 बजे निकल जाएंगी, तो शी माइट नीड दैट मनी। तो वो काम फटाफट खत्म करके आते हैं, सो दैट वो निकलते हुए मैंने उनको बोला था कि मेरे से कलेक्ट कर लेना। एंड इट्स ऑलमोस्ट टाइम, शी कैन कम एनी टाइम। आई थिंक आई विल गो डाउनस्टेयर्स, एक आधा और काम है वो भी निपटाते हैं, देन वी गोना कम बैक। Alright यार, कैश विड्रॉ हो गया है और मेरे को एक दो काम और याद आ गए। हम नीचे आई हूँ तो मुझे अपना क्या कहते, मेरा फेस मॉइस्चराइजर इज खत्म, आई हैव टू बाय दैट। एंड एक आधा काम मुझे केमिस्ट पे, सो वी गोना डू दैट देन गो बैक होम। ये ड्रॉपर मिल जाएगा क्या? ड्रॉपर कहाँ से मिलेगा? दीदी रेसिपी ट्राई कर लीजिए, पीछे उनके पास नहीं है। नहीं मिलेगा किसी के मिस्ट के पास? नहीं होगा, अलग से नहीं आते हम। Ready?
ओके जी, वी आर बैक. सामान ले लिया सारा जो लेना था, कैश विड्रॉ हो गया. ये जरूरी का काम था जो विच इज डन नाउ. एक दो काम और बीच में मुझे याद आ गए थे जो मेरे को लेना था. मेरा फेस मॉइस्चराइजर खत्म था, न्यूट्रीजिना माई लव ऑफ लाइफ, वो तो लेना ही था, तो वो खत्म था, वो ले लिया. एक आधा काम मुझे केमिस्ट पे था, नीडेड टू बाय समथिंग जरूरी, वो ले लिया. आई एम गोना क्विकली टेक बाथ नाउ, आई विल सी यू गाइस आफ्टर दैट. हे गाइस, जब तक पानी गर्म हो रहा है, गीजर ऑन कर दिया मैंने. आई थॉट आई विल टेल यू गाइस समथिंग. देयर इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे कमिंग माय वे. सो वी गोना कंप्लीट आवर फर्स्ट year of marriage. It's the first wedding anniversary coming on 30th. I am so happy. One, because it's a very special day, very special occasion. Though it has been long years with my husband, knowing him and you know being with him, but officially as a wedding anniversary, first milestone kind of a thing. Happiness do reasons ki wajah se hai. First is definitely the kind of journey you know that we have been covering together. You know, this 1 year and previous many years have been full of love, full of happiness. हंसी मजाक, पेट पकड़ पकड़ के हंसना और ऊट पटांग हरकतें करना, हंसी मजाक करना, being child like at times, लड़ाइयां भी करना, of course fights होती है, why not? Second, मेरा reason of happiness touchwood कि I really feel blessed. I really feel happy inside me because of the people that I've got around me. First, as a daughter, the set of parents that I've got, I think I'm very, very blessed and lucky to have my parents in life. My loving younger sister, I mean, she's like heart, she's like soul. You know, the beautiful family. And then after wedding, जब आपका दूसरा phase शुरू होता है, and you get similar kind of family जो you know इतना pamper करके रखे, and they stay happy with you, along with you, and keep you happy, laugh with you, smile with you, eat together, और वही same हंसी मजाक जो आप अपने parents के साथ करते थे, अपने sibling के साथ करते हो. Best part is कि जो भी कुछ कर रही हूँ मैं, even if I vlog, create pathetic videos, the kind of smile that they have on their face and they're like, you're doing a good job, tu ye kar, ab tu wo kar, tu waise kar sakti hai, it's like I feel really really blessed. It's like very very nice to the heart, you know. So my husband Dikshit, uske mom and dad, his sisters, brother-in-law, unke bacche, it's a beautiful family. I have yet not introduced my younger sister-in-law or unke husband and their little angel daughter. Jab wo mauka nahi mil raha ki kab hum next unse mile aur I introduce them as well in the vlog. Really wanted to convey through this vlog that I love you guys. I think I don't express enough. Dikshit is a person in my life. I don't think I could have got a better partner, you know, a better friend, you know, a better husband. I know him all. मैं उस चीज को लेके बहुत brag करती हूँ, that I know you in and out. तो I mean the best part is that the kind of human he is. I know vlog के through ये सब बोलना और video में ये सब बोलना ऐसा लगता है कि हाँ बताने के लिए and all बोल रहे हो, but then vlog is also my life now and I enjoy it from the depth of my heart and it's and I seriously do it. People who know me, my family only at this point of time, they know that how seriously I'm pursuing this. And if I'm serious about this, I can talk serious stuff on this, right? So yeah, I mean, it's a wholesome package that I've got, and that's why it's a reason of happiness for me. So I really, really love you guys. I mean, my parents can't thank you guys enough. मैं कभी हम लोग as kids उतना express नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, but mom, dad, I love you. Best part is कि first wedding anniversary आ रही है and I'm planning a surprise for my husband. Contacting one or two companies here जो कि beautiful house decors करते हैं, they're gonna turn and transform your house into a beautiful you know romantic place. I hope my husband likes it. I hope he loves the surprise. So let's see how it goes. But yeah, I thought I'll share it with you guys. जब तक पानी गर्म हो रहा है, why to waste time? Let's just talk something really special that's coming my way.
ओके, नहाना धोना डन। तो अभी क्या है ना, जब मैं नीचे जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कैश विड्रॉ कराने, और वहां पे मुझे दिख गए हमारे सोसाइटी के माली। उससे मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे घर में छोटे छोटे पौधे हैं जो कि सूख गए थे समहाउ, तो हम वो चेंज करा रहे हैं एंड वी गोना कीप ओनली मनी प्लांट्स इन द हाउस, क्योंकि वही मैनेज हो पा रहे हैं हमसे और वही चलते हैं अच्छे से। तो आई लाइक इट ऑल ग्रीन एंड लाइव, कि यार प्लांट मर जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो हम वही करा रहे हैं अभी। तो ही इज डूइंग दैट स्टफ, लेट्स गो एंड सी। हो गया भैया जी, सारे हो गए? इट्स ऑल ग्रीन नाउ। अभी यहीं रख दो, बाकी फिर मैं अपने आप जगह पे ना लगाती रहूंगी। प्लांट्स का काम इज डन। इस बीच मैं थोड़ा सा अपना दिमाग की पत्ती जलाई और ये सोचा कि मुझे क्या सरप्राइज देना है अपने पति को, कीपिंग इन माइंड कि मुझे क्या मिला है। यस, आई हैव गॉट माय एनिवर्सरी गिफ्ट एंड विच इज नथिंग बट यस, आई गॉट माय चार्ल्स एंड कीथ का बैग which I wanted from quite some time, और मैं दीक्षित को बोल भी रही थी कि यार मुझे लेना है, so he finally surprised me with this, कि चलो तुम्हारा चार्ल्स एंड कीथ का बैग लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने एनिवर्सरी वाले व्लॉग में, सो लेट्स कीप द सस्पेंस ऑन। अब ये तो हो गया मेरा गिफ्ट which is like super duper hit। मैंने अब अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया है और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या गिफ्ट करना है अपने पति को। मेरे दिमाग ने मुझे बोला कि नो, लेट्स नॉट स्पेंड मनी ऑन समथिंग दैट्स गोना गिव यू अ टेम्पररी हैप्पीनेस, लेट्स स्पेंड मनी ऑन समथिंग रियल। तो ये वाला जो मैं गिफ्ट मैंने डिसाइड किया है ना, ये तो या तुम लोग हंसोगे कि भाई तू क्या कर रही है, एनिवर्सरी है, थिंक समथिंग रोमांटिक, या फिर तुम कहोगे वेरी गुड, you'll appreciate, it's a good thought. तो गिफ्ट मैंने ये डिसाइड किया है which is I have booked full body health checkup for me and my husband. It's not really a gift of health but gift towards a better health, I think. तो ये मैंने सोचा है। अब मुझे हंसी आ रही है सोच के कि जब मैं उसको बोलूंगी कि भाई हम लोग ना फुल बॉडी चेकअप करा रहे हैं एज योर एनिवर्सरी गिफ्ट, बोला बेटा तुम ले लो चार्ल्स एंड कीथ का बैग और मेरा तुम खून मांग रही हो और तुम मुझे दे रही हो मतलब क्या ब्लड रिपोर्ट टेस्ट हेल्थ चेकअप। तो आई थिंक इट्स अ गुड गिफ्ट राइट, मुझे प्लीज कॉमेंट करके बताओ, सिर्फ इतना लिखो इज इट अ गुड गिफ्ट और अ बैड गिफ्ट, जस्ट लेट मी नो। ओके, जस्ट राइट गुड गिफ्ट और अ बैड गिफ्ट। हम यूजली इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं बट इट्स इंपॉर्टेंट। आई वुड रिकमेंड यू गाइज ऑल्सो इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग हेल्थ चेकअप्स डन एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स योर हेल्थ, फॉर योर सेल्फ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्ञान हो गया। तो यार क्या होता है ना यार, यूजली दीक्षित का गिफ्ट देने का स्टाइल दो तरीके का है, इधर ही सरप्राइज मी समथिंग वाओ, क्योंकि उसका दिमाग बहुत चलता है एंड ही इज मोर इनोवेटिव देन मी, मैन ही इज इनोवेटिव, और फिर वो ऐसा कुछ गिफ्ट दे देता है मुझे लगता है कि यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती है बातें, या फिर मैं इतनी कोई चीज गा देती हूँ कि यार वो लेना था लिया नहीं, चल नेक्स्ट टाइम ना पक्का वो ही लेना यार, मेरा दिल आ गया उस पर, वो लेना ही लेना, वो लेने देन ही रिमेम्बर्स दैट थिंग एंड ही मेक्स योर, तो फिर वो मुझे कहते कि ले डालक तो अब ये तेरा गिफ्ट है अब यही रख। तो ये होता है मेरा गिफ्टिंग स्टाइल क्या है कि मेरे छोटे दिमाग की वजह से मैं दिमाग की बत्ती नहीं जलती और मैं बहुत ही क्लीशे गिफ्ट्स देती हूँ जो उसको समवेयर एक्सपेक्टेड भी होते हैं कि क्योंकि उसने मुझे बोला होता है कि यार वो ले रहा था, मैं वो चीज़ याद रखती हूँ ना, आई मेक श्योर मौका देखते ही मैं उसको ऑर्डर कर देती हूँ और उसके लिए ले लेती हूँ। मेरी गिफ्टिंग स्टाइल वही रहता है, मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं चलता कि कुछ रोमांटिक सोच लूँ, कुछ यूनिक सोच लूँ, कुछ इनोवेटिव सोच लूँ, ना रे बाबा ना। तो यार मुझे बहुत हंसी आ रही है जब मैं उसको बताऊंगा जो प्लांट्स हमारे सेट हुए थे, आई विल पुट देम इन देयर राइट प्लेस, आई विल मेक अ गुड कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ
एंड जैसलमेर वाला व्लॉग इज स्टिल इन एडिटिंग, उसको करके फटाफट डालना है, इस व्लॉग से पहले आ जाएगा वो. और यस, आई एम गोना एंड माय व्लॉग हियर. आई होप यू लाइक द व्लॉग, आई होप यू हैड अ गुड सैटरडे टू. सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो प्लीज कर दो यार, अगर कर दिया है तो thank you so so very much. So I'll end my vlog here and I'll see you guys super soon in my next vlog / video. Till then, you guys take care of yourselves. Bye bye guys.